दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं आज हमारे सामने है एन टॉर्क रेस एडिशन और ये है 2023 मॉडल। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर E20 का स्टीकर लगा है और पेट्रोल डालने से पहले आपको दिखा रहा हूँ स्कूटर स्टार्ट हो रहा है या नहीं। आप देख रहे हैं स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है और सिटी माइलेज टेस्ट के लिए मैंने एवरेस्ट सस्टिंग मॉडल में 250 ml पेट्रोल को लिया जैसा कि आप देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और कल के वीडियो में जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि हम लोग कर लेंगे एक बार फिर से एन टॉर्क 125 2023 मॉडल का सिटी माइलेज टेस्ट, क्योंकि मैंने आप सबसे वीडियो में कहा था कि अगर आप एन टॉर्क को अगर इको स्पीड में सिटी के अंदर सही से राइड करते हैं तो इस स्कूटर में सिंगल राइड में आपको बहुत ही आराम से 50 km का माइलेज मिल जाता है। तो क्या इस स्कूटर में मुझे 50 km का माइलेज मिलेगा या नहीं, इसे जानने के लिए हम लोग चलते हैं इस स्कूटर को लेके सिटी माइलेज टेस्ट पर। और आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस स्कूटर को आपके लिए लेके हूँ नरवे रामटे आदितपुर शोरूम से। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो आइए चलते हैं सिटी माइलेज टेस्ट पर, देखते हैं आज हमें कितना माइलेज मिलता है। तो फाइनली दोस्तों इस स्कूटर के फ्यूल टैंक में जितना ही पेट्रोल था लगता वो ख़त्म हो चुका है और आपको दिखाने के लिए मैं इसमें दो बार सेल्फी रहा हूँ। एक बार और ट्राई करते हैं। तो आप देख रहे हैं स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इसमें आइए पेट्रोल डालते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं आज हमारे सामने है एन टॉर्क रेस एडिशन और ये है 2023 मॉडल। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर E20 का स्टीकर लगा है और पेट्रोल डालने से पहले आपको दिखा रहा हूँ स्कूटर स्टार्ट हो रहा है या नहीं। आप देख रहे हैं स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है और सिटी माइलेज टेस्ट के लिए मैंने एवरेस्ट सस्टिंग बॉटल में 250 ml पेट्रोल को लिया जैसा कि आप देख रहे हैं और दूसरी बॉटल में करीब 250 ml पेट्रोल है। इसे मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा माइलेज टेस्ट के बाद, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। तो आइए इसमें पेट्रोल डाल देते हैं माइलेज टेस्ट करने के लिए। तो आपने देखा दोस्तों स्कूटर स्टार्ट हो चुका है। तो आइए चलते हैं सिटी माइलेज टेस्ट में। आज मैं इस स्कूटर को सिंगल राइड में सिटी के अंदर इको स्पीड में राइड करूंगा और देखेंगे क्या हमें आज सिटी के अंदर इस स्कूटर में 50 प्लस का माइलेज मिल पाता है या नहीं। और माइलेज टेस्ट में चलने से पहले आपको दिखा रहा हूँ इसके ऑडोमीटर में रीडिंग अभी 13 और इसके ट्रिप ए और ट्रिप बी दोनों को मैंने 0.0 पे कर दिया है। Speaking, what am I supposed to do? 'Cause it feels so good, feeling wild like a soup. Put me in a mood, put me in a mood. Maybe I should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hopeless illusions. Thank you.
तो फाइनली दोस्तों हमने जो इसमें माइलेज टेस्ट के लिए 250 ml पेट्रोल डाला था, लगता है वो ख़त्म हो चुका है। और आपको दिखाने के लिए मैं इसमें दो बार सेल्फ ले रहा हूँ, एक बार और ट्राई करते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। और इसमें दोस्तों 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में सिंगल हेड में सिटी के अंदर काफ़ी अच्छा माइलेज मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं अभी इसके ऑडोमीटर में रीडिंग है 25, जब हम निकले थे तब रीडिंग था 13, और इसके ट्रिप में रीडिंग है 12 और ट्रिप बी में भी रीडिंग है 12। मतलब कि ये 250 माइल पेट्रोल में 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में सिंगल हेड में 12 किलोमीटर चला। और अगर मैं इसे इनटू 4 करता हूं तो आज हमें इस स्कूटर में 1 लीटर में 48 केएमपीएल का माइलेज मिला। आप सभी दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं ये रहा वो बॉटल जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था, और आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें पेट्रोल उतना ही है जितना पहले था। तो अब मैं इस पेट्रोल को डाल देता हूं रिटर्न जाने के लिए। अभी दोस्तों देखा कि एंड टॉर्क को अगर आप इको स्पीड में सिंगल हेड में सिटी में सही से राइड करते हैं तो आपको इस स्कूटर में भी काफ़ी अच्छा माइलेज मिल जाता है। पता नहीं क्यों काफ़ी सारे लोग इसे बदनाम करके रखे हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि जब मैं इस स्कूटर को लेके नरवेराम टीवीएस आदित्यपुर शोरूम से लेके निकला था तो इसके फ्यूल टैंक में काफ़ी कम पेट्रोल था। जहाँ पर इसके फ्यूल टैंक में पेट्रोल खत्म हुआ वहाँ पर हमने एवरेज टेस्टिंग बॉटल से 250 ml पेट्रोल को मेजर करके इसके फ्यूल टैंक में डाला, और तब इसके ऑडोमीटर में रीडिंग था 13 और ट्रिप ए और बी को मैंने 0.0 पे कर दिया था। माइलेज टेस्ट करते वक्त आपने देखा होगा कि आज मैंने इस स्कूटर को काफ़ी ट्रैफिक में भी राइड किया है, और जहाँ ट्रैफिक नहीं था वहाँ पे इसका स्पीड 45 से 50 किलोमीटर पर आवर मैंने रखा था, वीडियो में आपने देखा होगा। और जहाँ पर इसके फ्यूल टैंक में 250 ml पेट्रोल जो हमने डाला था जब वो ख़त्म हुआ, तब आपने देखा कि इसके ऑडोमीटर में रीडिंग था 25 और ट्रिप में रीडिंग था 12। मतलब कि ये स्कूटर सिंगल राइड में, मेरा वेट है 70 kg, 250 ml पेट्रोल में सिटी राइड में 12 किलोमीटर चला। तो अगर मैं इसे इनटू 4 करता हूँ तो आज हमें इस स्कूटर में, बिल्कुल न्यू स्कूटर में, 1 लीटर में 48 केएमपीएल का माइलेज मिला, जो देखा जाए तो बिल्कुल न्यू स्कूटर के हिसाब से बहुत ही अच्छा माइलेज है। मतलब कि आज मैंने इसे 250 ml पेट्रोल में माइलेज टेस्ट किया, अगर मैं इसे आज 1 लीटर में माइलेज टेस्ट करता तो इस स्कूटर में आज ही मुझे बहुत ही आराम से मेरे सिटी के अंदर जमशेदपुर में 50 केएमपीएल का माइलेज देखने को जरूर मिल जाता। कि अगर आप इसे सही से राइड करेंगे तो स्कूटर में आपको काफ़ी अच्छा माइलेज मिल जाता है। आपको यह बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैफिक है, जैसे कलकत्ता, दिल्ली या मुंबई, उस शहर में हो सकता है आपको इस स्कूटर में, बिल्कुल न्यू स्कूटर में 40 से 45 के बीच में माइलेज देखने को मिलेगा। और सिटी में ट्रैफिक कम है जैसा कि हमारे सिटी में, तो आप भी मान के चले कि सही से राइड करेंगे तो 50 केएमपीएल का माइलेज आपको भी मिल जाएगा। साथ ही आप सबसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपने और अपने फैमिली के लिए 125cc में काफ़ी स्पोर्टी से दिखने लायक स्कूटर लेना चाहते हैं तो एंड टॉक्स से बेहतर आपको और कोई स्कूटर नहीं मिलेगा, क्योंकि स्कूटर में आपको बहुत ही स्पोर्टी लुक के साथ इसमें जो 125cc का इंजन मिलता है उसमें आपको काफ़ी अच्छा पिकअप मिल जाता है। साथ ही इस स्कूटर में आपको LED पोजीशन लाइट के साथ फुली LED हेडलैम्प और LED टेल लैम्प मिल जाता है। स्कूटर में आपको फुली डिजिटल कंसोल के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलता है, और एक फैमिली पर्सन के लिए स्कूटर में काफ़ी लार्ज एंड कंफर्टेबल सीट दिया गया है। और अंडर सीट स्टोरेज की बात करें तो वहाँ 20 लीटर कैपेसिटी का अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है, और 5.8 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक भी मिलता है। आपकी सेफ्टी के लिए स्कूटर में आपको साइड स्टैंड इंजन का टफ स्विच मिल जाता है, और स्कूटर का सीट हाइट भी काफ़ी कम रखा गया। अगर आपका हाइट 5 फीट भी होगा तो आप इस स्कूटर को बहुत ही आराम से राइड कर पाएंगे। तो आज के वीडियो को मैं बिल्कुल भी लंबा नहीं करूंगा, बस आपसे इतना बोलना चाहूंगा कि अगर आप जमशेदपुर इसके आसपास और इस स्कूटर का टेस्ट राइड या फिर इसे परचेस करना चाहते हैं अच्छे ऑफर में, तो आप नरवेराम टीवीएस आदित्यपुर शोरूम में आ सकते हैं। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। साथ ही मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का ऑल में कर दीजिएगा ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस स्कूटर के बारे में आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं।